जहाँ भी जाएंगे हम लोग चंपा दादा उधर हम लोग जाएंगे, वो कहेगी हम लोग का बहुत अच्छा ही नेता है। मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर बेगार सूचित किया, बेगार ये के लिए तुरंत आके आप मंत्री पद से हट जाइए, ऐसा क्यों होता है? कोई उसमें हम लोग को ये नहीं, अभी हम लोग को झारखंड टाइगर से मतलब है। सीनियर कलेक्शन होने के नाते और एक मंत्री होने के नाते बहुत जोरदार अपमान हुआ। 5 महीना रह के जो हम लोगों के लिए किया बहुत कुछ किया, मैंने जिसमें जाएगा हम लोग भी उसी में जाएंगे। नमस्कार, एसटी न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। झारखंड की बड़ी खबर के साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हूँ। तस्वीर इस वक्त आपको मैं एयरपोर्ट की दिखा रही हूँ, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की। यहाँ पर आप देखेंगे कि चंपई सोरेन के स्वागत में जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। चंपई सोरेन दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, 2 बजे का समय है और ऐसे में चंपई सोरेन के स्वागत में ये हुजूम लगा हुआ है कार्यकर्ताओं की। आप यहाँ पर देखिए जो समर्थक है चंपई सोरेन के, जो उनके चाहने वाले हैं, वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और काफी देर से यहाँ पर चंपई सोरेन का आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ समर्थक है चंपई सोरेन के, सीधे लाइव उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि चंपई सोरेन लंबे समय तक आंदोलन के वक्त से वो शिबू सोरेन के साथ रहे, लंबे समय तक 4 दशकों तक पार्टी को सींचा, लेकिन आज उन्हें ये फील हुआ कि उनका अपमान पार्टी में हुआ है और वो पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिए, बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। चंपई दादा के इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी चंपई सोरेन के साथ पुराना रिश्ता आपका उनके साथ रहा? दादा चंपई सोरेन जी एक सुशासक है और हम लोग जितने हैं, हम लोग तो सरायकेला क्षेत्र का उनका क्षेत्र का आदमी है, तो उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। वो अपना पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में हम लोग को पता नहीं, मगर वो सुशासक है, हम लोग को अपना बेटे की तरह देखते हैं, इसीलिए हम लोग जी जान देने के लिए समर्थक के रूप में हम लोग आए हैं उनको समर्थन करने के लिए। तो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं तो आप खुश हैं उनके इस फैसले? वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का कोई नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि सुशासक हैं, हम लोग के लिए मैंने बहुत काम किए हैं और करने के लिए वो समर्थ हैं। सुशासक है बोल रहे हैं मतलब वो जहाँ जाएंगे आप लोग उनके तरफ उनके पीछे हम लोग रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे हम लोग चंपा दादा उधर हम लोग जाएंगे, वो कहेगी हम लोग का बहुत अच्छा ही नेता है, बहुत ये नेता है। तो शिबू सोरेन के पार्टी को छोड़ दिए तो उनके फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, उनके क्षेत्र के हैं, तो कैसे समझते हैं आप लोग? वो अपमानित किए, वो हम लोग मानते हैं कि अपमान हुआ है चंपई सोरेन जी का? हाँ हाँ हाँ, अपमान हुआ, बहुत अपमान हुआ है। हाँ हुआ है, अपमान हुआ। जो कि मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर बेगार सूचित किया, बेगार ये के लिए तुरंत आके आप मंत्री पद से हट जाइए, ऐसा क्यों होता है? और कुछ भी काम के तो पहले उसको बुलाया जाता है, बोला जाता है, उसके बाद कल आने से कल आके बोले आप हटिए, ये बेइज्जत हुआ कि हमारे सरायकेला पर हमने उसी क्षेत्र का आदमी है जो इतना अच्छा जो जो योजना लेकर बैठा हुआ था, वो भी वो अधूरा रह गया, पूरा कर नहीं पाया किसी के चक्कर में। देखिए बता रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो उन्हें हटा भी दिया गया। ऐसे में दादा से बात करेंगे, गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए हैं, चंपई दा का इंतजार कर रहे हैं। चंपई दा का इंतजार कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनके फैसले को, आप लोग क्या समझ रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो? हाँ, कोई उसमें हम लोग को ये नहीं, अभी हम लोग को झारखंड टाइगर से मतलब है और ये हमारा ये पुराना ये भी है, मैंने झारखंड आंदोलनकारी भी था, इसलिए हम लोग वो जिधर जाएगा उधर ही हम लोग जाने का, जिधर वो जाएंगे पास पास जिधर ही जाएंगे। आप मानते हैं कि उनका अपमान हुआ? जी मान अपमान होने के चलते तो ये अपना रूट बदला ये चेंज किया है, नहीं तो वो रहता ही था, अपमानित होने का वो काफी भीतर तक उसको ठेस पहुंचाएगा और उसके साथ साथ हम लोग कार्यकर्ता भी उसमें आप लोग को भी तकलीफ। देखिए सीधे तौर पर जो यहाँ पे जो उनके क्षेत्र के लोग है वो कह रहे हैं अपमान हुआ है और ना सिर्फ उनका अपमान हुआ है, क्षेत्र के सभी लोगों का अपमान हुआ है। तो इस तरीके से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रांची एयरपोर्ट की, आप देखेंगे जो समर्थक है गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए। आप भी चंपई दा का इंतजार कर? जी बिल्कुल, चंपई दा का इंतजार में है। क्या कहेंगे, क्या लगता है उनका सच में अपमान?
बिल्कुल अपमान तो हमारे झारखंड सरकार जो वर्तमान झारखंड सरकार किया है ये कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने अपमान नहीं किया। ये तो एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते और एक मंत्री होने के नाते बहुत जोरदार वो अपमान हुआ है। इंतजार कर रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे उनका? जी बहुत दिल से और बहुत जोरदार पूरे जोश के साथ। क्या बोलेंगे, एक बार नारा लगा? झारखंड का चप्पल सोन जिंदाबाद, झारखंड का चप्पल सोन जिंदाबाद, सोन जिंदाबाद, बंगला सोन जिंदाबाद। धन्यवाद। बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं, उनका भी नारा लग रहा है, चंपई सोरेन का भी नारा लग रहा है। ये तस्वीरें मैं अपने सहयोगी को बोलूंगी कि आप दिखाएं कि क्या है एयरपोर्ट का नजारा, रांची एयरपोर्ट का, ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नजारा आपको दिखा रहे हैं। सराय डेला से तमाम जो चंपई सोरेन के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में चंपई सोरेन की फ्लाइट दिल्ली से रांची लैंड करेगी और जब वो बाहर निकलेंगे, जब वो बाहर आएंगे तो तमाम जो समर्थक जो गुलदस्ता लेकर बुके लेकर के एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं वो जोरदार तरीके से उनका स्वागत करेंगे। तो ऐसे में कई और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि चंपई सोरेन जेएमएम पार्टी को छोड़ने का जो फैसला लिए और बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, उनके इस फैसले पर समर्थकों की क्या राय है? क्या है चंपई सोरेन का जो फैसला है जेएमएम छोड़ने का, बीजेपी ज्वाइन करने का, उनके इस फैसले पर आप लोगों की क्या राय है? उसके साथ हम लोग सब है, हम लोग जैसा जितना आए है ना उसके साथ है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर लगातार एयरपोर्ट से, मैं लाइव जुड़कर तस्वीरें दिखाऊंगी कि क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। कुछ महिलाएं जो है वो भी फूलमाला गुलदस्ता लेकर के पहुंची हुई हैं, जो कि चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। दीदी कहाँ से आए? कहाँ से आए बताइए ना, आप भी बताइए। हम लोग घाटशिला से आए। घाटशिला से आए, चंपई सोरेन जी के स्वागत में आए जी। कैसे स्वागत करेंगी उनका? माला लेकर पहुंची हुई, माला लेकर क्या लग रहा है जेएमएम छोड़े तो कैसा फैसला लिए, क्या सोच रहे हैं आप? दीदी चलिए, दीदी शर्मा रही है, इनसे जानते हैं कहाँ से आए? हम लोग घाटशिला विधानसभा, घाटशिला से आए। चंपई दा का स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। कैसे देख रही है चंपई दा के फैसले को? हम लोग जेएमएम छोड़े तो हम लोग खुश है सर के साथ। खुश खुश है? हाँ, मतलब वो जो फैसला लिया उसमें खुश? हाँ खुश है, वही उसी में जाएंगे सर के साथ ही जाएंगे। आप लोग भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? हाँ अब सर उसमें जाएंगे तो हम लोग जाएंगे, है ना, जाहिर से बात है वो। आप अच्छा ठीक है, आप लोग मानती हैं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पार्टी में उनका अपमान हुआ, मुख्यमंत्री रहते अपमान हुआ, आप लोग को भी लगता है कि उनके साथ अपमान किया गया? नहीं ऐसे तो हम तो उतना नहीं, मगर थोड़ा बहुत सुना है हुआ है जो अपना परिवार। हाँ, हम लोग उनका पार्टी। हाँ हुआ ही थोड़ा। हाँ, वो 5 महीना रह के जो हम लोगों के लिए किया बहुत कुछ। सर तो सीएम देखने चाह रहा है, हम लोग तो सर तो सीएम देखने चाह रहा है कि आने वाले काल में सर सीएम बने और हम लोग के साथ रहे। मतलब आप लोग की इच्छा है कि आने वाले समय में झारखंड का सीएम एक बार फिर से बने। कम से कम 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए सर, देखिएगा 5 महीना नहीं, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 5 महीना में जब किए तो 5 साल में और कितना कुछ करेगा सर? जितना काम किया है 5 महीना में उतना काम और 5 उसको देते है कि 3 और 5 महीना या अभी अक्टूबर या नवंबर में अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है। जो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि चंपई सोरेन जो फैसला लिए हैं बीजेपी में जाने का, इससे सिर्फ उनका नुकसान होगा, उनके साथ कोई नहीं जाएगा, चंपई सोरेन अकेले हो जाएंगे, आप लोग क्या मानते हैं? जो चाहता है माने उनको वो सब बीजेपी में चल जाएंगे। हाँ, उसी का साथ चंपई सोरेन अकेले नहीं है, जेएमएम बोलता है अकेले नहीं है, हम लोग उनके साथ है। वो माने जिसमें जाएंगे हम लोग भी उसी में जाएंगे, जिसमें जाएंगे उसमें भी जाएंगे। देखिए ये क्रेज आप देख रहे हैं, ये चंपई सोरेन के समर्थक है जो कह रहे हैं
कि दादा ने जो फैसला लिया है हम उस फैसले के साथ है, वो जिस पार्टी में जाएंगे ये सभी समर्थक उनके साथ उस पार्टी में जाएंगे, लेकिन चंपई सोरेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि 5 महीने चंपई सोरेन ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और तमाम जो विकास की योजनाएं थी जो चंपई सोरेन के कार्यकाल में आगे बढ़ रहे थे, इसी तरीके का एक बार फिर से चंपई सोरेन को कार्यकाल मिलना चाहिए और एक बार फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया जाना चाहिए और लगभग कम से कम 5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे तभी झारखंड का विकास हो सकता है। ये बातें जो है ये जो चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र से जो आए समर्थक जो चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं। तो अब थोड़ी ही देर में चंपई सोरेन भी बाहर निकलेंगे, हम वो तस्वीर भी आपको लाइव जोड़कर दिखाएंगे, लेकिन हमने दिखाया कि किस तरीके से उनके जो चाहने वाले उनके जो समर्थक है उनका हुजूम यहाँ पर इस एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नजर आ रहा होगा। ना सिर्फ पुरुषों की आपको लंबी कतारें नजर आ रही होगी बल्कि महिलाएं भी भारी संख्या में एयरपोर्ट पहुंची हुई है चंपई सोरेन के स्वागत में, हाथों में माला गुलदस्ता लेकर के एयरपोर्ट आई हुई है। तो आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।